अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रीनगर में शहीद हुए झज्जर जिले के गांव बधानी के लाडले विक्रांत का आज उनके पैतृक गांव बधानी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर, लोकसभा से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, डेहरी से विधायक रघुवीर सिंह कादयान, झज्जर के विधायक गीता भुक्कल, बादली हल्के से कांग्रेस नेता कुलदीप वत्स सहित अनेकों नेताओं, समाजसेवी संगठनों व युवाओं ने शहीद विक्रांत को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज झज्जर के नागरिक अस्पताल से शहीद विक्रांत की अंतिम यात्रा शुरू की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार और हजारों की संख्या में पैदल चलकर नेतागण, युवा व बुजुर्ग शामिल हुए और भारत माता के जयकारे लगाते हुए झज्जर शहर से लाडले विक्रांत की अंतिम यात्रा निकाली गई। यह अंतिम यात्रा झज्जर से विक्रांत के पैतृक गांव वधानी तक भारत माता के जयकारे लगाते हुए पहुंची। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शहीद परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे तो शहीद विक्रांत के पिता ने कहा कि मेरे बेटे ने भारत माँ का सिर नहीं झुकने दिया। उनका कहना है कि उनका दूसरा बेटा है, अगर अवसर मिला तो वह उसे भी सेना में भर्ती करना पसंद करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 1971 के बाद गाँव बधानी में यह पहली शहादत है और गाँव बधानी वीर सैनिकों का गाँव है। गाँव में जल सेना, थल सेना, वायु सेना में अनेकों जवान गांव बधानी से भारत माँ की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे ही शहीद विक्रांत का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बधानी पहुंचा, तो हजारों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब उनके घर की ओर रवाना हुआ। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर में लाया गया तो उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे लाल ने मेरे दूध को दाग नहीं लगने दिया। वहीं शहीद विक्रांत की पत्नी ने कहा कि उनके पति ने शहादत दी है, जिस पर वह गर्व महसूस करती है। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान उमड़े जन सैलाब ने भारत माता के जयकारे लगाए और शहीद की अंतिम संस्कार के अवसर पर सेना द्वारा उन्हें सलामी देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा शहीद विक्रांत की शहादत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने शहीद परिवार को 50 लाख रुपए और एक नौकरी का आश्वासन भी दिया। विक्रांत सहरावत इस देश की रक्षा कर रहे करते हुए एक प्रकार से उन्होंने गति प्राप्त की है। इन शहीदों को हम सलाम करते हैं। आज इनके अंतिम संस्कार पर हम लोग आए हैं। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि उनके चरणों में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को भी इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमेशा हम इन वीरों की शहादत के ऊपर गर्व करेंगे और देश की रक्षा में कभी भी, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो देश का कोई और नागरिक हो, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा इस बात करिए हरियाणा सरकार की ओर से, चाहे भारत सरकार की ओर से जो भी करने की आवश्यकता होगी। मध्यमवर्गीय परिवार तो नौकरी की कोई हमने जो हरियाणा सरकार की नीति हमारी है उस अनुसार परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक नौकरी, ये परिवारों की देखभाल करना हमारा दायित्व है, इसलिए निश्चित रूप से दी जाएगी। देश के वर्तमान हालात जो है उन हालातों पर पूरा देश बदलाव मांग रहा है कि आज पर भी यही बदल रहा है। देखिए, ये बहुत कूटनीतिक निर्णय होते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने सेना को पूरी छूट दी है कि देश की रक्षा सुरक्षा हेतु किसी भी दुश्मन की कार्रवाई को फेल करने के लिए, उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता है, पूरी छूट है। और मैं समझता हूँ उसी के परिणाम स्वरूप ये जो सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हुआ है, ये उसी का परिणाम है। और इस कार्रवाई से, भारत की इस कार्रवाई से देश के, दुनिया के सब देश सहमत हैं कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सब इकट्ठे हैं और इस प्रकार की कार्रवाई से हिचकना नहीं चाहिए। वहीं अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीद विक्रांत ने देश के लिए शहादत दी है, वह बड़े ही गर्व की बात है, जिससे गांव, जिले में प्रदेश का नाम ऊंचा हुआ है। आक्रोश और जोश, तीनों रोष है हमारा शहीद हुआ, आक्रोश है कुछ करने की मन में है और जोश है देशभक्ति का। सीएम साहब ने कहा कि सरकार ऐसे परिवार के साथ खड़ी है, गांव की पंचायत भी शहीद की समर्थन में जो भी करना चाहेंगे, जो रेजोल्यूशन करेंगे, उस प्रकार की इसकी याद को अमर रखेंगे। थोड़ा पीछे देश आज मिलकर शहीद विक्रांत सहरावत जी को नमन करता है और हमें एक और तो अपने भाई पे गर्व है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए
हम चैन की नींद से सोई इस बात के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दूसरी ओर गर्व के साथ साथ एक दुख की भी दिल के अंदर बहुत ज़्यादा एक भावना, क्योंकि जब भाई जाता है तो एक बहुत ही दुखद भी है तो गर्व भी है और हम सब दुखी भी है, मगर इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि परिजनों को और सभी को इस दुख की घड़ी का सामना करने का हौसला दे और हमारे भाई, जिस भाई ने भारत माता के लिए अपने प्राण, अपना सब कुछ निछावर किया, उसकी कुर्बानी से हमारा देश और मजबूत। सर, देश के वर्तमान हालात जिस तरीके के, यहाँ भी आपने सुना होगा आर पार के जंग, बंदे मातरम नारे लग रहे हैं, तो क्या होना चाहिए ये सरकार जो क्यों होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज इस अंत्येष्टि पे कोई राजनीतिक बात कहना मैं उचित नहीं, ठीक नहीं समझता, मगर जहाँ तक हमारे देश की बात है, जब भी कभी दुश्मन ने हमारे देश की तरफ आग उठाने का काम किया है, हमारे देश की सेना, वायुसेना, फौज में इतनी ताकत है, वो हर वक्त दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी है और जो है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की सेना सक्षम है, हमारा देश सक्षम है, कोई दुश्मन हमारी तरफ आग उठा के भी नज़र करने की हिम्मत ना जुटाए, ये हमारे देश की एक शक्ति है, सैन्य शक्ति है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ आज कोई राजनीतिक बात, इस परिवार के लिए क्या डिमांड करें सर, एक नौकरी और 50 लाख की घोषणा सरकार कर चुकी है। इस परिवार के लिए जो भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जो नीति है, वो नीति तो लागू की ही जाए। जो नौकरी की 50 लाख की जो हमारे समय नीति बनी थी हरियाणा सरकार में, इसी तरह का केंद्र सरकार की अलग नीति है, तो शहीद परिवार के लिए जो सारी नीति है वो पूरी की जाए, उससे ज़्यादा भी जो भी हो सकता है, ज़्यादा, क्योंकि ये परिवार पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमारे भाई ने देश की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अब देश की जिम्मेदारी है इस परिवार के साथ डट के खड़ा हो और परिवार को जो मदद हो सकती है सरकार की, दोनों सरकारों की तरफ से, वो होनी चाहिए। ऐसा है, आज पूरे देश को शहीद विक्रांत की शहादत पर नाज और अपनी बहादुरी और अपने त्याग, अपने बलिदान की वजह से पूरे प्रदेश का नाम, इस इलाके का नाम पूरे देश में और पूरी दुनिया में रोशन किया है। पूरा देश और ये इलाका पूरा जो है उनकी शहादत को नमन करता है और इस देश का एक एक बच्चा, 125 करोड़ का मुल्क उनकी शहादत का ऋणी रहेगा और उनका नाम जो है वो त्याग, तपस्या और बलिदान के सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो इनके फादर जो है भाई कृष्ण के साथ मेरे पारिवारिक संबंध के साथ, तो हमें दुख भी है इस बात का कि भाई एक जवान हमारी बेटी, उसका 2 साल का बेटा जो छोड़ के चला गया है, ये हमारी और पूरे देश की एक जिम्मेवारी है कि उनके दुख में चट्टान के साथ उनके साथ खड़े रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को दुख को सहने की शक्ति दें और उनकी आत्मा को सपोर्ट दीजिए। इंडियन एयरफोर्स के सार्जेंट विक्रम सरावत जी को जहाँ हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि उनकी ये जो शहादत है वो खाली ना जाए, जिस तरह से पाकिस्तान अपने मंसूबों को कामयाब करने लगा हुआ है, हम सब साथ खड़े हैं कि भारत भी जो है, भारत सरकार पूरी तरह से इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे। और जो आज शहीद के साथ सारा का सारा क्षेत्र, सारा प्रदेश और पूरा देश खड़ा है और इनको पूरी की पूरी आर्थिक मदद के साथ साथ जो होनी चाहिए, लेकिन इस शहीद की शहादत जो है वो खाली नहीं जानी चाहिए। आज हम अपनी ओर से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। झज्जर से विजेंद्र व गौरव के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।